सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे श्री राम आए हैं। हैप्पी दीपावली आप सबको। कैसे हो आप सब? तो ये रंगोली आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। रंगोली के साथ साथ मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी अपने घर का मंदिर जो मैंने बहुत ही अच्छे से सजाया है। तो बस वीडियो के साथ बने रहें। हेलो जी, हैप्पी दिवाली आप सबको। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो आज है दिवाली और मैं बहुत ही ज़्यादा सुबह से ही बहुत ज़्यादा बिजी थी। और मैं क्या बताऊँ आप सबको, कैसे कैसे मतलब इतने सारे काम होते हैं। तो कैसे हो आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल गांव की शांति में। अभी बाल बनाने जा रही थी, वो छुट्टू थोड़ा सा टाइम मिला था, मैंने सोचा आप सबसे बात कर लूँ। तो ये देखिए मंदिर का जो कैसे कैसे हमने सजाया है वो सब तो आप अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब रंगोली आप सब देख लिए, थोड़ी सी झलक देख ली पूरी रंगोली। मैंने कुछ भी नहीं किया है रंगोली में, सजावट जो ऊपर लाइटिंग वगैरह जो मैं आप सबको दिखाऊंगी सब बहनों ने ही किया है। तो आज बात बहुत ही ज़्यादा कम करूंगी। तो आप सबकी दिवाली कैसी रही, कैसे मना रहे हैं आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज बहुत ज़्यादा बिजी हूँ क्योंकि पूरा चीज़ मतलब सेट कर दिया है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें बाकी हैं। यहाँ पे ये जो दिख रही हैं वो गोधना हमारे यहाँ होता है, उसके लिए हमने चूड़ा लाई वगैरह सब मिला है, तो उसको मैंने वहाँ पे साफ जगह पे रखा है। तो आज मैं आप सबके साथ जो कैसे कैसे मैंने तैयारियाँ की, कैसे मैंने अपने घर को सजाया है, छत को सजाया है, वो सब शेयर करूँगी। कल के ब्लॉग में देखेंगे कि आँख में कुछ चला गया है, कल के ब्लॉग में देखेंगे कि दिवाली कैसी मनाई। इसलिए वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए। आज ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, माफ़ करिएगा, क्योंकि क्या है कि आज टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। तो मैं चलती हूँ, आप सब देखिए रंगोली कैसी बनी। हमने मंदिर पूरी रात बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहनों ने कैसा सजाया है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारा मंदिर हमारे भगवान अच्छी जगह से स्थापित कर दे, इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। तो मेरी खुशियों में आप सब भी शामिल होने आ जाइए, मिल के मनाते हैं हैप्पी दिवाली। तो चलिए घर को तो सजा दिया है और अभी भगवान जी का जो है वो सब कर दिया है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस मिलती हूँ मैं अब मंदिर के साथ। तो ये देखिए यहाँ से जो है बहनें जो है वो सजावट के जो झालर हैं और जो लाइट के चीज़ें हैं जो इससे सजाते हैं वो सब लेके आई। तो क्लिप लेके आई थी, बोली दीदी प्लीज़ लगा देना, हमने बहुत मेहनत करके ये सब करके। और बनारस के ये बाज़ार हैं, आप देखिए कितना ज़्यादा सजा है। यहाँ से ही भगवान जी के लिए माला जो है वो भी लेके आई हैं। और जो वहाँ पे हमारे यहाँ पे जो लाइट लगी हुई है जो आप कल के ब्लॉग में देखेंगे पूरा अच्छे से, वो भी यहीं से लेके आई हैं, क्योंकि मेरे से ना सब चीज़ें होती ही है। ये देखिए दिए बहुत ही अच्छे अच्छे मिल रहे थे, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि मैंने दिए जो है वो पहले से ही कुम्हार भैया के यहाँ से खरीद लिया, लेकिन फिर भी वो एक दिया वहाँ से ले गया। तो रात के लगभग 10:30 बज रहे हैं थे जब हमने ये जो है वो सजाना शुरू किया। तो यहाँ पे ये पेपर वगैरह वो सब चीज़ लेके ही आई थी, क्योंकि यहाँ पे ना मिलती तो है चीज़ें लेकिन बहुत दूर जाना पड़ता है और दिवाली का टाइम है तो हस्बैंड भी बिज़ी हैं, तो इसलिए। तो यहाँ पे ये देखिए मंदिर पे पेपर जो है वो दीवार पे लगा दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो लेके आई थी कंधे पे पैर रख के करना पड़ा, क्योंकि कुर्सी यहाँ पे लग नहीं सकती थी और वो जो बक्सा है वहाँ पे हम पैर रख नहीं सकते थे, कोई चारा नहीं था, हमें समझ नहीं आया। तो फिर उसके बाद फिर हम देख रहे थे कि कैसे अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी मैंने इन सब चीज़ों में कुछ नहीं किया। जब ये सजा रही थी तब मैं खाना बना रही थी क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए फाइनली हमारे भगवान जो है वो स्थापित हो गए, हमारा मंदिर हमारा घर। ये देखिए आप सब कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी मैंने सब वहाँ पे रख के और दिया जो है वो जला दिया है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो शाम को पूजा के लिए जो होंगी वो सारी चीज़ें जो हैं वो आके रखी हुई हैं यहीं पे, और फिर उसके बाद मैं इन सब को भी हटाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए छोटी जो है वो मेरी बना रही है रंगोली,
और आप सब मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि उसने रंगोली कैसी बनाई है, क्योंकि मुझे नहीं बनाने आती, इतनी अच्छी तो नहीं आती। हाँ, काम चलाऊ बहुत, मतलब मुझे थोड़ा भी नहीं आता। ये सारे कलर भी वो लोग वहीं से लेके आई थी, और यहाँ पे ये पतीला रख के, बर्तन रख के, मतलब जैसे जुगाड़ से देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। छोटी सी झलक तो आप सबने देख ही ली है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर वो ड्राइंग, मतलब बहुत अच्छा बनाती है, और हर एक चीज़ में एक्सपर्ट है। सब एक ने जो है वो लाइटिंग जितनी छत की, आंगन की सारी जितनी हुई है वो उसने किया, और इसने रंगोली बनाई, मतलब दोनों दो कामों में एकदम सब अपने अपने क्षेत्र में होता है, अव्वल है। और ये मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, कुछ यूनिक सा उसने बनाया है इस बार। पिछली बार भी बहुत अच्छा बना था, लेकिन इस बार का मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत सिंपल था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा, 4-5 घंटे तो लग ही गए होंगे, दोपहर से ही लगी 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 लगी, क्योंकि ये बहुत ही बारीकी का था, बहुत ही मतलब औजार, देखिए चम्मच बर्तन सारा कुछ लेके जुगाड़ लगा लगा के बहुत ही बेहतर बनाया। तो आप सब भी देखिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि रंगोली कैसी बनी। और अभी जिनकी आप वीडियो देख रही हैं, ये हैं नीतू जी, जिनकी मेरी ये हम सक इनको कह सकते हैं, और इनके आज बेटे का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बेटा जी, आपको भगवान दुनिया की हर खुशी दे। और इनका भी यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको भी सपोर्ट करिए। और ये जो हैं इनके, ये देख लीजिए, मुझसे काफ़ी इनकी शक्ल मिलती है। इनके चैनल का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो एक बार जाइए और इनके चैनल को भी देखिए और इनको भी सपोर्ट करिए। ये फाइनल जो है रंगोली बनके तैयार हो गई है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि छोटी ने बहुत ही ज़्यादा बहनों ने मेहनत किया है। ये जितनी भी लाइट देख रहे हैं, अभी जब रात होगा तो सारा समझ में आएगा, छत पे ऊपर मतलब आगे की साइड भी बहुत ज़्यादा लगी है, वो सब दोनों ने ही मिलके किया है। मैंने सिर्फ अपने घर की सफाई, खाना पीना और जो बनने वाला है आज, उसकी तैयारी में, पूजा पाठ की तैयारी में ही रही हूँ। ये सारी चीज़ें उन्होंने ही किया गई, तो इतना सारा हो गया, वरना बहुत मुश्किल था। तो मिलते हैं कि अगली वीडियो में।